राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, चंचल है ये, गलती करता हूँ, जानता हूँ, सुधारने को प्रयास कर रहा हूँ। कल रात भोजन नहीं किया, क्यों? दुर्वासा जागृत हो गया था, बताऊँगा। और अभी जो है पानी भर लिया, सवेरे ऊपर योगा था, उनका भी वीडियो बनाया, क्योंकि आज विश्व योगा दिवस है, और पूजा अर्चना कर ली है। एक बार मस्तिष्क में आया, छोड़ो, पहले भोजन कर लो। फिर प्रभु ने जो है उसको सही मार्ग पर लगा दिया कि कष्ट इतना झेला है, थोड़ा सा और सही। और प्रभु के नाम पे अगर कष्ट किया, वो कोई कष्ट नहीं होता है। आराम से, आनंद से जो है अपना जो है हनुमान चालीसा पढ़ा, और कुछ पृष्ठ जो हैं भगवान के पढ़े, यानी के रामायण के पढ़े। बताऊंगा आपको एक, कल आपके पास संदेश भेजूंगा एक। तो अभी करते हैं राधे राधे की तैयारी। पाकशाला में बैठा हुआ हूं, सोयाबीन की बड़ी को भिगा दिया है। अब इतना इंतजार नहीं कर सकता कि सोयाबीन की बड़ी बनाऊं, ये करूं वो करूं। अब बनाया जाएगा क्या, नमक वाली रोटी, और एक आम है जो भाई लेके आया था, उसे खाया जाएगा। पिछली बार ये साफ किया था, और ये फिर से जो है मुगल गार्डन यहाँ पे तैयार हो गया है। तो मौका देके इसको भी जो है चकाचक किया जाएगा। धूप तीखी है, थोड़ा थोड़ा सा हवा चल रही है। राधे राधे। तो मिलते हैं। तो मित्रों, दो रोटी बनाई जाएगी। चपाती नहीं खाता, ना फुलका खाता हूँ, खाता हूँ रोटी इतनी बड़ी, अंगूठे से लेके इस उंगली तक, क्योंकि नहीं जानता उसके बाद क्या होगा। इसलिए जब मौका मिलता है, मन प्रसन्न खाओ और फिर कहो राधे राधे। ये है अपनी रोटी का साइज, नजर मत लगाना वैसी कमजोर हो रहा हूं मैं। दो रोटी तैयार हो गई है, दो आम है। मित्रों, आपको याद होगा, एक चाची के घर गया था, उनकी अंगूर की बेल दिखाई थी। कहा था चाची ने, कहा कि अगर अंगूर वायरल हो गए तो तुम्हें अंगूर दूंगी। वो एक मजाक था, लेकिन वो चाची जी ने जो है अपने भतीजे के लिए अंगूर भेजे हैं। तो अब इतना पौष्टिक आहार खाने के पश्चात भी अगर बाबा साहब सूखा का सूखा रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ मित्रों, कि प्रभु ने कहा है, सादगी बेटा, तुझे उतना ही दूंगा जितना तू हजम कर सकता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? उतनी ही शक्ति दूंगा जिससे तू अच्छे कार्य कर सके, उतना ही भोजन दूंगा जिससे तू जीवित रह सके, उतना ही धन दूंगा जिससे तेरी इज्जत बची रह सके, क्योंकि अति होने पे तो मति भ्रष्ट हो जाती है। राधे राधे। मित्रों, 9:53 सुबह का राधे राधे कर लिया है। और काकी हिड़िए कस रहा योगा? ये वो कस रहा को? ओ बढ़िया, और सब फोटो खींच लिया। चाची योगा में थी। आपको लाया हूँ कि बाबा सादगी की सफलता का पुष्प खिल गया है, यानी कि करेले की बेल में कई पुष्प लग चुके हैं। अब जिसका जीवन है वो फल देगा, और जिसका जीवन नहीं है वो किसी न किसी कारण से जो है इस बेल से अलग हो जाएगा। दो बेलें हैं भी यहाँ पे, और अभी जानता नहीं हूँ, शायद ये तोरी की या किसी चीज़ की है। तो अभी आपको एक झलक दिखा रहे हैं, धूप बहुत तीखी है, और अभी भी दो रोटियाँ ग्रहण की हैं। तो अभी लाएंगे आपको यहाँ पे, थोड़ा सा समय मिला तो शाम के टाइम पे लाएंगे, ताकि मस्तिष्क जो है वो गर्म ना हो। तो राधे राधे। अभी गांव में कुछ नौजवान तो खड़े हुए हैं, और एक हमारे संजू भाई हैं SS मनलाल, उनसे कुछ कार्य है, तो उनकी ओर चलते हैं। राम 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 राम, राम जी राम राम, जवाई राजा जी हैं, अमर छोड़ जा रही है। यही होती है प्रभु कृपा बाबा सादगी पे। ये तो अक्सर नाश्ता करके भोजन करके जो है कमरे के अंदर ले जाता हूँ जाके। और यहाँ पे जो है सर्दी का मौसम है, धूप सिकाई हो रही है। बुबू जा दियो, और आदरणीय आए हैं, मैं झारखंड गया हुआ हूँ। वो क्या गड़ुआ है वो,
गढ़वा, हाँ गढ़वा जंक्शन, हाँ गढ़वा गया था मैं। वहाँ एक नदी बहती है बरसाती नदी, कोयल नदी, सांप बहुत लेके आती है वो, और मेरे को तो अच्छा लगा नहीं वहाँ पे। वो गढ़वा जंक्शन में एक ट्रेनिंग सेंटर है ना एसआईएस का, वहाँ रहा। लोग बोलते हैं कि हरियाली बहुत अच्छी होती है, अच्छी होती है। इतना गंदा उस जगह पे ना मौसम, ह्यूमिड। जब मैं वहाँ गया था तो मेरा वेट था 85 kg, और डेढ़ महीने में मैं आ गया 60 kg पे। इतना ह्यूमिड है वहाँ पे। आप लोग तो कैसे रहते हैं वहाँ पर, धन्य है कसम से। मैं तो आप 3 महीने में और तो मर जाता मैं। तो कैसा लगा आपको हमारा उत्तराखंड? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा, क्या चीज़ अच्छी लगी आपको यहाँ पे? शुद्ध हवा, पानी। तो कुल मिला के 100%। राधे राधे। मित्रों 11:23, तेल रख दिया है, आलू एक रह गया था। बाबा सादगी दिमाग में था, 3-4 आलू पड़े हुए हैं। गलती किसने की? बाबा सादगी ने की। सजा कौन खाएगा? बाबा सादगी खाएगा। और मिर्च भी ये फ्रेश नहीं है, मुरझाई हुई मिर्च है, टेस्ट नहीं देगी। मसाला तैयार है, बनाया जाएगा सोयाबीन बड़ी, और उसके बाद बनाएंगे चावल, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा हैं वो लोड करने हैं, फटाफट टेंशन फ्री। तभी तो है मानसिक तनाव, वीडियो कब जाएंगी कब जाएंगी कब जाएंगी का है। तो शुरू करते हैं अपना कार्य। जीरा नाच रहा है इसमें, अजवाइन ने भी फुदकना शुरू कर दिया है, धनिया भी मचल रहा है, और ये गिर दिए हल्दी, पानी गिर दिया है। गलती कर दी, टमाटर हरी मिर्च गिना था लेकिन मस्तिष्क घूम गया। आलू गिर दिया है। मित्रों चावल धोकर चढ़ा दिया है, अभी ये पानी सूख गया है, ड्राई हो गया है। अब इसमें डाला जाएगा पानी, और जब तक सब्जी हंसती है चावल खिलाते हैं, कुछ और काम करते हैं। राधे राधे। मित्रों 1:17, दिन का राधे राधे कर लिया है। अब ड्यूटी है वीडियोस अपलोड करने की, सो पहुंच गया हूं चमकला। 4:46, आ गया हूं अपने गांव। बीच में फुहार पड़ चुकी है, ठंडी हवा चलनी शुरू हो चुकी है, और तापमान में थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है इस समय। राधे राधे। राम राम मित्रों, सुबह का 5:28 हो चुका है। कल दिन में थोड़ी सी रुमझुम हुई थी, और हवा में थोड़ा ठंडक है, हवा मंद मंद है। आसमान कहीं पे साफ है, कहीं पे बादल से छाए हुए हैं, और कहीं पे थोड़ा सा धुआं धुआं सा है। चलिए देखते हैं क्या होता है दिन में। राधे राधे। मित्रों 6:58, ये इलाका साफ कर दिया है, और इतना जो है ये झाड़ फूस जो है यहाँ से निकला है, और अब चलते हैं पानी भरने के लिए। नंबर लगा दिया गया है, 2 जार 2 बाल्टी, हाँ 1 बाल्टी अनलोड करेंगे टैंक के अंदर में, और कोटा हो जाएगा पूरा। राधे राधे। मित्रों 9:00, जा रहा हूँ चमकला। मौसम बारिश का हो रहा है, तो कुछ साग सब्जी टमाटर हरी मिर्च लेके आते हैं, कहीं लगातार बारिश हो गई तो हो जाएगा फिर मुश्किल। यहाँ पे है गौतई का घोंसला, उसके बच्चे 3 बच्चे हैं, और कहते हैं कि जिस घर में जिस दुकान में ये घोंसला बनाते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, लक्ष्मी आती है। 9:20 पे चमकला आ गया था, और इंतजार किया दुकान के खुलने का, 2 घंटे हो गए हैं। अब बताया है कि हरी मिर्च भी नहीं है, तो अब हरी मिर्च के बगैर तो भोजन बनेगा नहीं। तो अब उतर रहा हूँ क्वेराला के लिए। समय हो गया है 11:20, 2 घंटे से वीडियो भी जो है अपलोड नहीं हुआ है, और सेल्फी स्टिक भी टूट गई है।
एक तो मियाँ बावरे ऊपर से पीली भांग, ये कहो सही रहेगी या कंगाली में आटा गिला। तो जो भी है सही नहीं हुआ है। तो मिलते हैं आपको, दिखाते हैं केरला। राधे राधे। पहुंच गए हैं केरला, थोड़ी सी रौनक है। एक मिर्च लेने के लिए 11 किलोमीटर का वॉक। ऊपर भी सुविवाह चल का प्रोग्राम है, म्यूजिक यानी गाना चल रहा है। यहाँ आके आम भी मिल गए हैं। आधा किलो टमाटर ले लिए हैं, पाव भर हरी मिर्च ले ली है, और लेंगे 1 किलो आलू, और 1 किलो आलू भी ले लिया है। राधे राधे। सामान खरीद लिया है और अब चलते हैं अपने ग्राम की ओर। शॉपिंग कर ली है, तकरीबन 12:15 हो चुका है। अब निकल चुका हूँ गांव की ओर। राधे राधे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय देवभूमि उत्तराखंड। भारत माता की जय। जय हिंद।